आदमी हर चीज की नई नई तौजीह बयान करता है और किसी चीज को ऐसा लगता है कायनात में कोई काम भी अल्लाह की चाहत से नहीं होता, बस खुद बहुत ही हो रहा है, खुद बहुत ही हो रहा है। इत्तेफाकन हो गया, इत्तेफाकन हो गया। इस दुनिया में कोई चीज इत्तेफाकी नहीं होती। इस सारा कायनात का निजाम मुस्तहकम निजाम के, कायनात का निजाम मुस्तहकम निजाम के तहत चलता है और अल्लाह का एक फैसला है, यूं होगा तो यूं होगा। कोई चीज यहां इत्तेफाकी नहीं है। इंसान के बदन से जो जिंदगी निकलती है अल्लाह ने उस पर फैसले रखे हैं, उस पर नताइज रखे हैं, उस पर नताइज रखे हैं। तो पहले तो ये होता था गलती हुई और यूं सजा मिली। एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया और उसके पेशानी पे खून बह रहा था, तो कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं चल रहा था और मेरी नजरें भटक गई, किसी को देख लिया मैंने, किसी गैर महरम को, और आगे दीवार थी, टक्कर लग गई। अब एक तो ये है, अब उसने यूं जिक्र किया तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा अराद अल्लाह बिअब्दी खैरन अज्जा लहुल उकूबा। एक तो सोच का अंदाज ये ना कि मैं चल रहा था, दीवार आ गई, टक्कर लग गई, दीवार ना आती टक्कर ना लगती, गाड़ी ना आती टक्कर ना होती, गड़ा ना होता मैं गिरता नहीं। एक सोच तो ये है। और एक अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फरमाया जब बंदा कोई गलती करता है और अल्लाह उस बंदे से भलाई कर, उस बंदे के साथ भलाई करना चाहते हैं तो उसे उसकी गलती की सजा जल्दी दे देते हैं। इज़ा अराद अल्लाह बिअब्दि खैरन अज्जलहु उकूबा। जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई चाहते हैं तो उसकी गलती की सजा उसे जल्दी दे देते हैं। यूं गलती की यूं सजा मिल गई, माफी हो गई, यूं माफी हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ईमान वाले का कांटे का चुभना ये भी फायदे से खाली नहीं है, फायदे से खाली नहीं, इससे भी न जाने इसकी कितनी खताएं माफ होती है। ठोकर लगी, कांटा चुभ गया, तकलीफ पहुंची, किसी गलती की वजह से अल्लाह ने कोई खता माफ कर दी, कोई गलती माफ कर दी।